नमस्कार, मैं दिव्या धरादर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज बिहार दौरे पर भागलपुर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कुप्पा घाट स्थित आश्रम परिसर के सदगुरु निवास का लोकार्पण किया। संता समाज और श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने गीता वेद उपनिषद के महत्वों को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के पास आध्यात्मिक ताकत है जो अधूरे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाती है। बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ। उपेंद्र कुशवाहा के बगावती तेवर को लेकर चर्चा गर्म है। इसी बीच एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर तल्खी दिखाई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा का अलाइनमेंट कहीं और हो गया है। वे जहां जाना चाहे वे स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 वरिष्ठतम जजों के कॉलेजियम में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस प्रिंतकर दिवाकर और जस्टिस सोनिया गोखानी को गुजरात हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। सारण हिंसा की घटना पर सम्राट चौधरी ने जमकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जंगलराज की स्थिति आ गई है। बिहार को मुख्यमंत्री नहीं सुपर सीएम तेजस्वी यादव चला रहे हैं। लालू यादव सिंगापुर में बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो यह हालत बना हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सहकारी संघवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकारों ने कई क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधित्व वाली राज्य सरकार को गिराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कम से कम 90 बार किया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने अकेले अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारों को गिराने के लिए 50 बार किया। निर्माणाधीन पटना गया डोभी NH-83 के मसौरी पुनपुन सेक्शन पर 2 अंडरपास के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। अंडरपास के निर्माण को लेकर स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर अंडरपास निर्माण का आग्रह किया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने अंडरपास निर्माण की मंजूरी दे दी थी। तुर्की NDRF के जवान भीषण त्रासदी के बीच जीवन खोज रहे हैं तो भारतीय सेना मेडिकल सहायता के साथ तुर्की में है। विपदा काल में भारत की सहायता का कायल तुर्की है। तुर्की के राजदूत का ये ट्वीट बताता है जिसमें वो लिखते हैं, तुर्की और हिंदी में दोस्त दोस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम शब्द है। हमारे तुर्की में कहावत है कि जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जारी किए गए JEE मेंस के रिजल्ट में गया के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। प्राप्त आंकड़े के अनुसार गया के तकरीबन 150 से अधिक बच्चों ने JEE मेंस के सेशन 1 में बाजी मारी है। खास बात यह है कि बच्चे गया में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं और इसमें मुकाम हासिल कर रहे हैं। गया में ऐसे कई शिक्षण संस्थान है जो कोटा और पटना की तर्ज पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करवा रहे हैं और छात्र इसमें सफलता भी हासिल कर रहे हैं। होली का त्यौहार आने वाला है और इस रंगों के पर्व से पहले देश के 6.5 करोड़ लोगों का इंतजार भी खत्म हो सकता है। हम बात कर रहे हैं PF खाता धारकों की। उम्मीद है कि त्यौहार से पहले सरकार अकाउंट में ब्याज के पैसे ट्रांसफर कर सकती है। पहले लोगों को बजट 2023 पेश करने से पहले ये रकम खाते में डाले जाने की आस थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने बजट भाषण में PF के नियमों में बदलाव का ऐलान जरूर किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 10 फरवरी 2023 की सुबह 9:18 अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। इसका नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV। इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-07 भेजा जा रहा है। यह 156.3 किलोग्राम का है। देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार मिला है। इसका उपयोग मोबाइल लैपटॉप समेत कई अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। इसके अलावा GSI ने लिथियम और गोल्ड समेत अन्य धातुओं के ब्लॉकों की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है। सीरम इंस्टीट्यूट का ग्रीवा संबंधी कैंसर के खिलाफ भारत में निर्मित टीका सर्वावैक इस महीने के बाजार में उपलब्ध होगा और 2 खुराकों की इसकी 1 cc ₹2000 में मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पूनावाला और SII के सरकार तथा नियामक मामलों के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह को मौजूदगी में 24 जनवरी को पहला स्वदेशी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीका जारी किया था। भारत सरकार UPI सर्विस को ग्लोबल करना चाहती है ताकि देश और दुनिया भर के लोग भारतीय UPI का इस्तेमाल कर सके। दूरसंचार और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इस सेवा से छोटे रेहड़ी पटरी वाले भी बड़े बैंकों से कर्जा ले सकेंगे। डिजिटल लोन सर्विस को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा है कि इसे UPI सेवा की तरह पेश किया जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत दृष्टिकोण के तहत बड़ी उपलब्धि होगी। इस साल हम डिजिटल ऋण सेवा शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में गुरुवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के अंत में हो रहे हंगामे के बीच सीना ठोकते हुए कहा कि आज देश देख रहा है एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है।
मैं देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने को निकला हूं। इसके साथ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष आरोपों की जितनी कीचड़ उछालेंगे कमल उतना ही अधिक खिलेगा। अगर देश के किसी भी शहर के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिले तो यात्रा करना काफी आसान हो जाता है। मोदी सरकार का मुख्य फोकस इस समय भारतीय रेलवे पर है। देश के रेलवे स्टेशनों को आने वाले समय में इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि लोग उन्हें देखते ही रह जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा आइडिया दिया है जिससे लोगों को रेलवे स्टेशनों की छत पर एकदम मॉल जैसा मजा मिलेगा। यहां पर यात्रियों को सभी तरह की हाईटेक सुविधाएं भी मिलेंगी। भगोरे हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कंपनी फायर स्टार इंटरनेशनल लिमिटेड के बैंक अकाउंट से पैसों को नहीं निकाला जा सकता है। यह जानकारी दो बैंकों ने गुरुवार को विशेष मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अदालत को दी है। बैंकों ने लिक्विडेटर के एफिडेविट के जवाब में कोर्ट को यह जानकारी दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ भी तुर्की में राहत बचाव कार्य चला रहा है। इसी बीच गुरुवार को गृह मंत्रालय के ट्विटर हैंडल के जरिए एक वीडियो पोस्ट की गई जिसमें देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने ग्राउंड जीरो पर राहत बचाव कार्य करते हुए गंजीतेप शहर में इमारत के मलबे से 6 साल की बच्ची को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया। जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बात आती है तो उम्र कोई बहाना नहीं है। बहुत से टैक्स पेयर्स को पता नहीं है कि बच्चों या नाबालिग इनकम कर रहे हैं तो उन्हें टैक्स का भुगतान करना पड़ता है और रिटर्न फाइल करना पड़ता है। 18 वर्ष से कम आयु के 4800 से अधिक नाबालिगों ने वित्त वर्ष 2022-23 में 31 जनवरी 2023 तक अपना आईटीआर दाखिल किया है। सुकन्या समृद्धि योजना सबसे अच्छी योजनाओं में से एक है, जहां आप अपनी बेटी के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए प्रतिमाह 250 रुपए के रूप में कम से कम निवेश कर सकते हैं। यह योजना वर्तमान में 8.5% की ब्याज प्रदान करती है जो सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के तहत आती है। भारत में बना पहला स्वदेशी उन्नत टोही ड्रोन यानी मानव रहित यान अगले हफ्ते लोगों की नजरों के सामने उड़ान भरता नजर आएगा। तपस ड्रोन को अगले हफ्ते बेंगलुरु में होने वाले एरो इंडिया शो में पहली बार सबके सामने उड़ान भरते हुए देखा जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिन्हें बाद में स्पीकर ने कार्यवाही से बाहर निकाल दिया। दरअसल संसद में उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है जो मर्यादा में होते हैं और नियमों के तहत उन्हें इस्तेमाल करने की छूट मिली हो, क्योंकि लोकसभा स्पीकर हर साल ऐसे शब्दों की सूची जारी करते हैं जो असंसदीय होते हैं और उनका सदन की कार्यवाही के दौरान इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये सब नियम 381 के तहत स्पीकर के आदेश पर किया जाता है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप की शुरुआत आज से ही हो रही है। इस महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत समेत कुल 10 टीमें भाग ले रही है। भारतीय टीम अपने पहले मुकाबले में 12 फरवरी को पाकिस्तान का सामना करेगी। 10 से 26 फरवरी तक होने वाले इस मेगा इवेंट में कुल 23 मैच खेले जाएंगे। मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी सोमनाथ मंदिर पर दिए गए एक बयान को लेकर अब फंसते नजर आ रहे हैं। मौलाना ने बीते दिनों कहा था कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर तोड़कर सही किया था, जिसके चलते अब उन पर FIR दर्ज कर ली गई है। यदि आपको कहीं जाना है और आपके पास टिकट के लिए पैसे नहीं है तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नई स्कीम के तहत आप बिना पैसों के भी कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे की इस नई स्कीम का नाम है बुक नाउ पे लेटर, जिसके माध्यम से आप बिना एक भी रुपया दिए कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि ये टिकट पूरी तरह से ऑनलाइन ही बुक करना होगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से उसके द्वारा दोबारा भेजे गए 10 प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने को कहा है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी। एक सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने यह भी बताया कि इन 10 प्रस्तावों में से 3 मामलों में कॉलेजियम ने नियुक्ति के लिए अपने पहल की सिफारिश को दोहराया है। शेष 7 प्रस्तावों पर कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय कॉलेजियम से अतिरिक्त जानकारी मांगी है। संगम नगरी में वर्ष 2025 में लगने वाले महाकुंभ से पहले पूर्वोत्तर रेलवे के दारागंज रेलवे स्टेशन पर अस्थायी रूप से ताला लग जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रयागराज जंक्शन से झूसी रेलमार्ग के दोहरीकरण के बाद यह स्टेशन यात्रियों के लिए इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो जाएगा। दोहरीकरण का कार्य वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद यह स्टेशन पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। भविष्य में इसका इस्तेमाल रेलवे ऑपरेटिंग कार्य के लिए किया जा सकता है। लोकसभा में दिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की स्पीच का कुछ हिस्सा हटाए जाने पर कांग्रेस ने नाराजगी व्यक्त की है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर भाषण को सदन में प्रकाशित करने की गुजारिश की है। चौधरी ने आगे कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण का एक बड़ा हिस्सा हटा दिया गया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद की कार्यवाही के दौरान अब शब्दों के इस्तेमाल के आरोप पर सफाई दी है। मोइत्रा ने कहा है कि जहां तक उनकी समझ है उन्होंने कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। मोइत्रा ने कहा है कि उनकी ओर से इस्तेमाल किए शब्द का मतलब सिनर होता है। उन्होंने
कहा है कि मैं हिंदी स्पीकर नहीं हूँ। गौतम अदानी और अदानी ग्रुप को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, कुछ भारत तो कुछ विदेशों से भी बातें सामने आ रही हैं। अब निकेई एशिया ने ताजा खुलासा किया है। निकेई एशिया की प्रेस रिपोर्ट से पता चलता है कि अदानी ग्रुप का कुल कर्ज 3.39 ट्रिलियन रुपए तक का है और इंडियन इकोनॉमी के कम से कम 1% के बराबर है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है उमेश ठाकुर, अनवर करीम खान, अखिलेश यादव, कुश कुमार यादव, राजेश कुमार, रविशंकर, जितेंद्र ठाकुर, महमूद अंसारी, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, बाबूलाल मरांडी, एमडी नौसाद रजा, नुन्नू गोलू कुमार, अर्जुन राम और एमडी साकिर हुसैन। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, महिलाओं को खेल में प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।